नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैरी और मैं पिछले 10-11 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहा हूं और आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं इन्वेस्टर चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी वो इम्पोर्टेंट ऐप्स है और उनके क्या फीचर्स हैं जिनको आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं और स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, और जिनको मैं अपने इन्वेस्टिंग में यूज़ करता हूँ। सबसे पहले क्या फीचर होने चाहिए जो ऐप्स आप यूज कर रहे हो अपने इन्वेस्टिंग को लेकर, जिनको आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहिए? तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। या आप फाइनेंशियल न्यूज जो अपडेट्स आती है इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट दोनों को आप देख सको, ट्रैक कर सको, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कोई रिसर्च आपको करनी हो, ब्रीफ फंडामेंटल्स आपको फटाफट दिख जाए कि स्टॉक का पी कितना है, पैग रेशो कितना है, वो सब आपको दिख जाए। साथ में कुछ रीडिंग मटेरियल अगर आपको मिल जाए तो वो भी एक एडिड एडवांटेज होती है किसी ऐप में। स्टॉक वॉचलिस्ट आप बना सकते हो ताकि आपके स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहा है आप उसको ट्रैक कर सको, और अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक भी आप कर सकते हो, अपना अलग से पोर्टफोलियो उसमें बना सकते हो। ऐसी भी फैसिलिटी आपके ऐप में होनी चाहिए। साथ में रियल टाइम प्राइस मूवमेंट क्या हो रहा है, निफ्टी इंडेक्स या सेंसेक्स कैसे ट्रेड कर रहा है, कितना अप और डाउन गया है, चार्ट भी आप देख सको। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक आप सोचते हो कि आपकी ऐप में होनी चाहिए। और कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि हम बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्लॉक डील, FIIs ने कितना खरीदा, DIIs ने कितना बेचा या खरीदा, ये सब इन्फॉर्मेशन आप सोचते हो कि मेरी ऐप में अगर मुझे मेरे मोबाइल फोन में मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो वैसी ही ऐप हम बात कर रहे हैं जो टॉप 5 ऐप मैं अपने फ़ोन में रखता हूँ ताकि मैं मार्केट को ट्रैक कर सकूँ। तो एक एक करके उन ऐप्स पर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है मनी कंट्रोल। बहुत बेसिक ऐप है और मोस्ट पॉपुलर ऐप है स्टॉक मार्केट की, कि अगर आपको डेली बेसिस पे अपने स्टॉक को ट्रैक करना है, अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, अपनी वॉच लिस्ट बनानी है, तो वो सब काम आप इसमें कर सकते हो। अगर कोई कैंडल स्टिक चार्ट देखना चाहता है या चार्ट पैटर्न देखना चाहता है पिछले कुछ सालों का, तो वो भी आप आराम से देख सकते हो। तो बहुत ही बेसिक सिंपल बढ़िया ऐप है, तो इस और फ्री ऐप है ये, इसको लिए कोई आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप बेसिक फीचर्स को यूज कर रहे हो। हालांकि इनका प्रो वर्जन भी आता है, ठीक है। तो सबसे स्टार्ट पहले आप करोगे मनी कंट्रोल में, ताकि आप अपनी वॉच लिस्ट बना सको। अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो उसमें पोर्टफोलियो भी आप अपना ट्रैक करने के लिए बना सकते हो, और स्टॉक्स जैसे ही आप अपनी वॉच लिस्ट बना लोगे तो आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को जैसे आप राइट साइड पे देख पा रहे हो आप ट्रैक कर पाओगे कि कौन कौन से स्टॉक का प्राइस मूवमेंट क्या चल रहा है। अब इससे पहले दोस्तों सेकंड ऐप में चले। जिस ऐप को मैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ वो है जीरोधा ऐप। अगर मार्केट में अभी तक आपने अपना ब्रोकिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है तो जीरोधा के थ्रू आप अपना ब्रोकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है बाय सेल करने का। मैं खुद अपने इन्वेस्टिंग के लिए इसको यूज करता हूँ और इन्वेस्टिंग पर जीरो ब्रोकेज है इनका, तो वो भी फैसिलिटी मुझे अच्छी लगती है। और कुछ ऑफर भी हमारे चल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, उसको आप यूज कर सकते हो, और जो हमारे ऑफर्स है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड ऐप पर। पहले हमने बात करी मनी कंट्रोल और अब बात करते हैं स्टॉक एज की। तो दोस्तों स्टॉक एज भी ऐप काफी बढ़िया और काफी पॉपुलर हो रही है आजकल, क्योंकि यहाँ पर आपको DIIs FIIs एक्टिविटी, कहाँ ब्लॉक डील हो रही है, कहाँ पर बल्क डील हो रही है, कहाँ पर प्रोमोटर बाय कर रहे हैं या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, या जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसमें भी ये ऐप आपको हेल्प कर देती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें और बहुत सा रेडी मटेरियल आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि इनके भी कुछ पेड कोर्सेज है, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज फ्री में भी काफ़ी कुछ इस ऐप में आपको मिल जाता है पढ़ने के लिए भी और डेली बेसिस के मार्केट के एक्शन को ट्रैक करने के लिए भी। पढ़ते तीसरी ऐप की ओर। दोस्तों आपको अपडेट रहना पड़ता है कि मार्केट में किस स्टॉक से रिलेटेड, किस कंपनी से रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रही है। तो इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर तो आप में से कुछ लोग पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आप उसकी ऐप रख लेंगे और अनेबल कर देंगे नोटिफिकेशन, तो जब भी कुछ बड़ी न्यूज़ आएगी किसी स्टॉक से कंपनी से रिलेटेड तो नोटिफिकेशन आपकी आएगी और आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। हर बार आपको अपने लैपटॉप को ओपन करने की जरूरत नहीं है या फिर 24 घंटे टीवी के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। अपने फ़ोन में आराम से ऐप में आप अपने जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसको आप पढ़ सकते हो। फोर्थ नंबर पर आता है दोस्तों CNBC TV18। इनका भी टीवी चैनल है, बिजनेस चैनल, वो भी काफ़ी फेमस है। लेकिन जैसे इकोनॉमिक टाइम्स की तरह इस ये भी काफ़ी अपडेट्स करते रहते हैं अपनी ऐप के थ्रू जो भी बड़ी न्यूज़ आती है, तो इसको भी आप देख सकते हो। और इकोनॉमिक टाइम्स और CNBC TV18 इन दोनों का ही अगर आप इनको ट्विटर पे फॉलो करोगे तो वहाँ पर भी न्यूज़ अपडेट आपको आती रहेगी। तो ऐप के बजाय साथ साथ अगर ट्विटर पर भी आप इनको फॉलो कर लोगे, इन्वेस्टर भी एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर, तो आप हमें हमारी फॉलोइंग लिस्ट में देखोगे सिर्फ 3 ही लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें से 2 ये और 1 और है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी, मार्केट की कोई भी बड़ी न्यूज़ आपसे मिस नहीं होगी। तो दोस्तों अभी तक तो हम डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, कंपनीज में क्या हो रहा है, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट को भी ट्रैक करना है, इंटरनेशनल मार्केट के लिए बेस्ट ऐप है CNBC ऐप।
सीएनबीसी टीवी नहीं, सीएनबीसी खाली ओनली सीएनबीसी ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेते तो यूएस मार्केट, जापानीज, चाइनीज मार्केट, उन मार्केट्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं इजीली। वहां पर आपको उनमें क्या न्यूज चल रही है सब, और उनके स्टॉक की वॉचलिस्ट, सब फैसिलिटी आपको मिल जाएगी सीएनबीसी ऐप पर। तो ये पांच ऐप है जिनके थ्रू मैं मार्केट को ट्रैक करता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल। दोस्तों इन्वेस्ट टू मेंबरशिप हमारी वेबसाइट पर लाइव हो गई है और इस कोर्स में प्री रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको मिलेगी मिलेगी, लेकिन अपने मेंटर से यानी कि मुझसे आप बात कर सकते हैं। ये एक यूनिक कंसेप्ट है क्योंकि प्री रिकॉर्डेड वीडियो हर कोई दे रहा मार्केट में, लेकिन बात करने का जो एक मौका मिलता है कि आपका मेंटर अप्रोचेबल होना चाहिए, आप उससे वन टू वन डिस्कशन कर पाए, ये हमने इसमें रखा है। इसकी वजह से हमारा बिजनेस थोड़ा सा स्केल नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें मंजूर है स्केल ना करना बिजनेस को, लेकिन जो हम अपने मेंबर से कनेक्ट हो पाते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया है आपके लिए। अगर आप सीरियस लर्नर है तो इस कोर्स को जरूर देखें, कोई स्टॉक टिप आपको नहीं मिलेगी, लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया आपका होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं कि कोर्स में क्या मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।